आगे पीछे आने लगा। मैंने राम सहाय के बहुत हाथ पैर जोड़े, मिन्नत की कि ऐसा मत करो तुम, कहीं भी शुरू हो जाता, गाली देने लगता, भद्दे कमेंट्स, अगर मैं कुछ भी ऑब्जेक्शन करती तो वो तुरंत कहता मैं अभी यहीं पर तुम्हारी धुल दूंगा, इस तरह से बदतमीजी से बात करता और मैं चुपचाप निकल जाती। अगर मैं घर में बोलने की बात करती तो वो मेरे परिवार को और मुझे मार देने की धमकी देता। और फिर एक चुपचाप गाड़ी में बैठो, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही हो, गाड़ी में जबरदस्ती बैठा लिया और उसके बाद उसने मुझे कोल्ड ड्रिंक गाड़ी में पहले से रखी हुई कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दी और जबरदस्ती कोल्ड ड्रिंक पिला दिया। उसके बाद मैंने देखा कि राम साहब मेरे साथ गलत काम कर रहा था। मैं बहुत चीखी चिल्लाई सर, रोई, लेकिन राम साहब ने मेरा गला दबा कर मुझे फिर से वहीं बोला, साली यही मार दूंगा, ज्यादा नक्शे दिखाया तो, अगर तू इतना नक्शे नहीं दिखाती तो मुझे ये कदम नहीं उठाना पड़ता। मैं तो चाह रहा था कि तू सब कुछ मेरी बात मान ले, लेकिन तूने ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाई इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। और फिर सर उसने उस वक्त मेरा वीडियो और फोटोज़ भी बना लिए थे, वो मुझे दिखाया और बोला कि अगर तूने किसी से भी मुंह खोला तो ये वीडियो मैं लोगों में वायरल कर दूंगा। और सर फिर मैंने किसी को नहीं बताया और वो इसी वीडियो और फोटो के लिए मुझे हमेशा ब्लैकमेल करता रहा। फिर मैंने जब परेशान हो गई सर बहुत ज़्यादा, तो इसकी बीवी को फ़ोन करके बताया था कि वो मुझे परेशान कर रहा है, अगर वो वीडियो रिकॉर्डिंग्स ऐसे ही मुझे परेशान करता रहेगा तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। तो उसकी बीवी ने कहा मैं समझाऊंगी, लेकिन सर उसने अपनी तरह से अपने पति को बात बताई तो राम साहब इस बात से और चिढ़ गया कि तुमने मेरी पत्नी को क्यों बता दिया। और फिर सर वो रास्ते में आके मुझे कभी हाथ पकड़ता, कभी कुछ भी करता, मैं डर के मारे सर कुछ नहीं कर पाती थी, मैं किसी से बोल नहीं पाई। और वो रिकॉर्ड जो मुझसे बात करता, जबरदस्ती मुझे बात करने के लिए फोर्स करता, अगर मैं बात नहीं करती तो रास्ते में आ जाता, बात करती तो रिकॉर्डिंग करके लोगों में सुनाता कि वो मुझसे बात करती है। बात की मैंने शिकायत करी, मैं 2016 से सर 2 साल से शिकायत कर रही हूँ, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ सर, मेरी कोई कहीं बात नहीं सुनी। और उसकी साहब से मिली जो अभी करंट में आए हुए हैं, उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी। मैंने कुछ रिकॉर्डिंग सर रखी हुई थी जिसमें राम साहब मुझे गाली दे रहा था सर, वो कह रहा है कि मैं चारपहिया से भी दबा सकता हूँ, मैं गोली भी मार सकता हूँ, वो सर मुझे या मेरे परिवार को किसी को भी मार सकता है। खतरा है आपको? जी सर। तो जो स्थानीय विधायक कौन है, किस क्षेत्र के विधायक है? मानिकपुर। मानिकपुर विधायक? मैं मानिकपुर सर, उसमें आती क्षेत्र में। ज्यादा परेशान करता है, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि ये मैटर तुम लोगों का है, तुम लोग आपस में सुलझा लो, कि सर आपके नाम से फोन कराता है वो ऑफिसर्स को, तो उन्होंने कहा कि तुम खुद ट्रेस करा लो कौन फोन करता है। मेरे पापा सर चपरासी हैं, वो कैसे ट्रेस करा सकते हैं कि ये किस